कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों को मेरा न्यू ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान करे आपका दिन जो है बहुत सुखमय हो और अच्छा जाए आपका दिन। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा सुबह कभी भी अच्छा नहीं जाता है, कभी भी नहीं। क्योंकि सुबह बिस्तर छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, लेकिन जैसे मंदिर पे घंटी बजता है ना कि सुबह हो गया, भगवान को जैसे जगाते हैं जाके, मतलब भक्त लोग, मेरा उसे मेरा कान में घंटी बजता है। मतलब कैसे, मंदिर का घंटी नहीं जैसे आप सोचते होंगे, मेरे कान में गाली का घंटी बजता रहता है। जैसे कि आप मतलब सोचते हो कि हाँ, इतना बड़ा लड़की घर पे सोता रहेगा तो ऑब्वियसली घर पे गाली ही देंगे। वैसे कुछ नहीं, आप उसे बिल्कुल मत सोचिए। मुझे क्यों गाली पड़ता है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पास में मंदिर की घंटी के अलावा, जैसे बजता है ना कि भगवान को जगाते हैं, मेरे कान के पास गाली का घंटी पड़ता है। सुबह सुबह पूरा गाली का ही घंटी पड़ता है। मतलब सुबह तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी नहीं 8 बजे या 9 बजे उठती हूँ, ऐसा नहीं। मैं सुबह उठ जाती हूँ 6 से 6 साढ़े 6 या 7 बज जाती हूँ, इतना टाइम में उठ जाती हूँ। गाली क्यों सुनती हूँ वो अभी आप सुनिए। गाली इसलिए मुझे सुनना पड़ता है क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ भी अपडेट नहीं दे पाती, इसलिए मुझे रोज़ गाली सुनना पड़ता है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था, मैं ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। मेरा काम जो रहता है ब्यूटी का, आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरा जितना भी वीडियो है सब हेयर का काम का, ये सब मैं अपडेट देते रहती हूँ चैनल पर। और अभी मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, अभी ब्लॉग बनाने का रीजन है, मैं अभी जॉब छोड़ चुकी हूँ, अभी मैं घर पे हूँ। और जॉब क्यों छोड़ा हूँ वो आपको बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग पर। अभी मैं घर पे हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं बैठी हूँ। और आप सोचते होंगे तबीयत ठीक नहीं तो इतना मेकअप थॉप के वीडियो बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सेटअप दिखा रही हूँ, ये देखिए। अभी मैं खुद का वीडियो बना रहा था, शॉर्ट वीडियो बना रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा गाली सुन चुका हूँ अभी, और सुनने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को हेयर का और मेरा हेयर का और स्किन का अपडेट देते रहूँ। अगर आप घर में बैठे हुए कैसे आपका स्किन का केयर कर सकते हैं और कैसे हेयर का केयर कर सकते हैं, जैसे हेयर बहुत डैमेज हो जाता है और जब ब्रेकेज होता रहता है, स्प्लिटिंग से आ जाता है, तो वो रोकने के लिए आपको क्या क्या करवाना है या क्या करना है, वो आप सभी को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगी। तो आप लोग अगर मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी एक नया ब्लॉग के साथ।